Welcome to our channel Competition Well. Today we have a special guest, Ms. Sejal. Please kindly introduce yourself. Hi guys, this is Sejal Babel, currently pursuing PhD in mathematics from Jagiellonian University, Krakow, Poland. And I've done my master's from Indian Institute of Technology, Jodhpur. I'm doing PhD in mathematics. In many of you must be known to this subject called ergodic theory and dynamical systems. It's a vast area in the vast perspective, but my main work goes into the topology and its structures with the dynamical system. Okay. Sejal, let's start with one thing. Is it what's your dream to go abroad? Not exactly. It was not my dream, but I was open to going to abroad because I thought that I should give it a try where I have a more perspective, more exposure, and more known to this subject, since the dynamical system is not well known in India. And I got more professors and more opportunities coming here. Okay. तो जैसे कि हम लोग जैसे कोई एमएससी करता है, जैसे आपने एमएससी करके फिर पीएचडी करने के लिए बाहर, सो कैन यू मतलब आप रोड मैप सेट कर देंगे कि कैसे एमएससी से बच्चे पीएचडी करने जाते हैं? क्योंकि हम लोग का जो थिंकिंग होता है कि एमएससी करने के बाद यूजीसी नेट या फिर कोई भी और तरीके से पीएचडी एग्जामिनेशन लें, लेकिन अब्रॉड अगर किसी का मन हो तो कैसे वो आ सकता है या फिर कैसे जा सकता है? मोस्टली हर अब्रॉड यूनिवर्सिटीज का या हर कंट्रीज का बेसिकली क्राइटेरिया डिफरेंट होता है पीएचडी में एडमिशन लेने का. फर्स्ट ऑफ ऑल, पीएचडी यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट कंसिडर की जाती है. आप स्टूडेंट नहीं, एम्प्लॉय हो जाते हो यहाँ के. और ऑफकोर्स आपको स्टूडेंट बेनिफिट्स मिलते हैं, बट उसके साथ साथ मोस्टली आप टैक्स पेयर भी रहते हो यहाँ के. सो यू आर एन एम्प्लॉयड पर्सन. और किसी को अगर परमानेंट होना है तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है. रही बात किस तरीके से अप्लाई करने की और किस तरीके से एडमिशन लेने की, तो बेसिकली मास्टर्स के बाद हम इंडिया में मोस्टली ये होता है कि आप नेट देते हो, गेट देते हो, फिर आप यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई करते हो और आपको कॉल लेटर आता है उनके बेसिस पर, आपके मार्क्स के बेसिस पे, और फिर आपका इंटरव्यू होता है. अगर आप किसी अब्रॉड यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो तो मेन चीज़ अगर कोई होती है तो वो है आपका प्रोफेसर. आपको सबसे पहले आपको कोई प्रोफेसर रेडी होना चाहिए जिनके अंडर आप काम कर रहे हो. तो उसके पहले आपको अपना क्राइटेरिया, आपका सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा, नॉट क्राइटेरिया, कि आप किस प्रोफेसर के अंडर जाना चाहते हो, किस सब्जेक्ट में जाना चाहते हो, और किस कंट्री में जाना चाहते हो बेसिकली. तो ये सब कुछ अगर आपका डिसाइडेड है तो आप उन प्रोफेसर्स को कॉन्टेक्ट करोगे वाया मेल्स. मोस्टली प्रोफेसर्स रिप्लाई करते हैं, वो लोग आपको गाइड करते हैं कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है अगर उन्हें आप में इंटरेस्ट आता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू शुड हैव योर सीवी. आप अपनी सीवी प्रिपेयर करोगे, आप अपना एरिया ऑफ रिसर्च क्लियर रखोगे अपने दिमाग में. एंड इफ अगर आपने मास्टर्स का प्रोजेक्ट किया है या थीसिस किया है तो आपका मास्टर्स की प्रोजेक्ट रिपोर्ट या थीसिस रहेगी आपके साथ. क्योंकि यहाँ पर बहुत मोस्टली यहाँ पर बहुत मैटर करता है कि आपने मास्टर्स में क्या प्रोजेक्ट किया है या क्या थीसिस वर्क किया है, क्योंकि वो एक आपको अपर हैंड दे देगा इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस इन योर रिसर्च वर्क. बिकॉज यहाँ पर बैचलर्स में भी प्रोजेक्ट वर्क्स होते हैं और मास्टर्स में भी इनकी रिसर्च होती है. सो दे स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विद रिसर्च. व्हेन यू हैव योर रिसर्च फाइल, यू कैन जस्ट सेंड योर रिसर्च प्रोजेक्ट टू योर प्रोफेसर विद अ सीवी. एंड देन इफ ही इज इंटरेस्टेड इन योर सीवी एंड इफ ही थिंक्स दैट यू आर अ सूटेबल कैंडिडेट, वो आपसे आपके इंटरव्यू के लिए भी पूछ सकते हैं. दिस आर थिंग्स विच कैन हैपन टू यू. जरूरी नहीं है कि सबके साथ ये चीजें हों. वो आपसे एक पर्सनल इंटरव्यू कर सकते हैं आपका वाया स्काइप बिफोर चेकिंग कि आप यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो या नहीं. अगर आपका वो इंटरव्यू हो जाता है, मोस्टली करते हैं, नहीं भी करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द प्रोफेसर्स. उसके बाद आप अगर उस इंटरव्यू में अगर वो इंटरव्यू होता है और उन्हें लगता है कि वो आपको एक्चुअली लेने के लिए रेडी है, देन यू हैव द यूनिवर्सिटी प्रोसीजर्स. यूनिवर्सिटी प्रोसीजर्स किस तरीके से जाते हैं, आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो एंड देन देयर इज एन इंटरव्यू. रिटर्न भी लेते हैं वो लोग कुछ यूनिवर्सिटीज में, सब यूनिवर्सिटीज में रिटर्न नहीं होता, बट वो भी आप ऑनलाइन दे सकते हो रिटर्न भी.
और इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू वाया स्काइप ही होता है. इंटरव्यू में मोस्टली उन लोगों के क्वेश्चंस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर रिसर्च एरिया. आपको मतलब जैसे एग्जांपल आई गिव यू ऑफ माय यूनिवर्सिटी, मेरी यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू प्रोसीजर इस तरीके का था कि दे हैड 100 पॉइंट्स टू गिव मी ऑन, एंड जितने भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे थे उनमें से 50 अबाव होने चाहिए, एंड टॉप 8 जिनके भी मार्क्स होंगे उन्हें वो लोग लेंगे बिकॉज दे हैव ओनली 8 सीट्स. तो वो लोग इंटरव्यू में इस तरीके का क्राइटेरिया रखते हैं कि 100 में से 50 मार्क्स मेरे रिसर्च पे थे और 50 मार्क्स मेरे बेसिक नॉलेज पे थे. तो बेसिक नॉलेज में जैसे हम मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं तो वो हमें सेट थियरी के क्वेश्चंस पूछेंगे, हमें लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस पूछेंगे, हम लोगों को एब्स्ट्रैक्ट के क्वेश्चंस पूछेंगे, ऑल द थिंग्स विच यू हैव स्टडीड इन बैचलर्स एंड मास्टर्स. और फिर आएगा आपका 50 मार्क्स का रिसर्च एरिया. अगर आपने रिसर्च नहीं किया, प्रोजेक्ट किया या जो भी किया है जिसके बारे में भी आप जानते हो, आपको वो पुट फॉरवर्ड रखना पड़ेगा कि आप इसमें स्पेशलाइजेशन, जिसमें भी आप अप्लाई कर रहे हो उसमें आप स्पेशलाइजेशन हो, लाइक स्पेशलाइज आपको उस सब्जेक्ट के बारे में स्पेसिफिक नॉलेज है. व्हेन यू एक्सप्लेन देम दे विल आस्क क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ दैट, क्योंकि उधर सामने ऑफ कोर्स उस टीम में उसके एक्सपर्टीज बैठे हुए होंगे. सो दे विल टेक योर इंटरव्यू एंड दे विल ग्रेड यू ऑन द बेसिस ऑफ योर आंसरिंग केपेबिलिटीज. वो आई इतना थिंक डिफिकल्ट नहीं होता है क्योंकि वो लोग आपको ऑप्शन देते हैं. अगर आपको कोई चीज नहीं पता है तो आप क्लियरली बोल दो कि आपको ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हुआ है. दे विल हेल्प यू आउट, लाइक डोंट बी अफ्रेड कि इंटरव्यू बहुत डिफिकल्ट हो सकते हैं, इंटरव्यू में हमें कुछ नहीं आया तो हमारा क्या होगा एंड दो स्टाफ. शायद हम लोग के जो व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, शायद ये बहुत ही डिटेल्ड आंसर था कि हाउ टू गो अब्रॉड आफ्टर मास्टर्स एंड व्हाट इज द प्रोसीजियर, कि कैसे फॉलो अप करना है, क्या रिसर्च एक्सपीरियंस चाहिए, क्या प्रोजेक्ट्स चाहिए, सीवी में क्या होना चाहिए वगैरह वगैरह. और मेरे दूसरा क्वेश्चन ये है कि इज इट डिफिकल्ट टू गो अब्रॉड फॉर एन एमएससी स्टूडेंट, क्योंकि जैसे ऐसा देखते आए हुए हैं कि हमेशा हम लोग सोचते हैं कि बीटेक का जो लड़का होता है वही हमेशा अब्रॉड जा सकता है, या फिर किसी का जॉब एक्सपीरियंस होल्डर हो या फिर वो जा सकता है. अगर जैसे मास्टर्स का कोई स्टूडेंट हो, कोई मान लो कि जैसे कोई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो, वो लोग का लिए डिफिकल्ट होता है, या फिर क्या स्टैंड आउट होना होता है उन लोग के लिए, या फिर रेज्यूम में या फिर रिसर्च में जो लोग लो मदद कर सकता है जाने के लिए बाहर. बेसिकली डिफिकल्ट नहीं है मास्टर्स के लिए क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि बीटेक्स को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिलता है, मोर अपॉर्चुनिटीज होती है, ऑफ कोर्स बिकॉज उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होता है. बट मास्टर्स आर फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड, राइट? और साइंस बैकग्राउंड इज मोर स्ट्रॉन्गर इन रिसर्च ऑफ कोर्स. सो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. ये लाइक दिस इज नॉट द करेक्ट अजम्पशन के मास्टर्स एमएससी के बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो सकता है बाहर जाना. अच्छा, आपने वो कही थी कि आपको सीवी बनाना होगा, तो जैसे कि बहुत सारे मेरे दोस्त थे मास्टर्स में, उन लोग को सीवी बनाना नहीं आती थी ढंग से, तो आप क्या सलाह देंगे कि सीवी का स्टार्टिंग में क्या लिखें, क्या वर्क्स डालें, ताकि एक अच्छा पर्सपेक्टिव पड़े, क्योंकि द फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन जो होता है बोला जाता है, तो वो आप कैसे बताएंगे कि अपने व्यूअर्स को कैसे बताएंगे कि सीवी को कैसे ढंग से या फिर ऑर्गेनाइज्ड वे से लिखें. ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ी बड़ा इशू होता है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मोस्ट ऑफ द लोग ये कहते हैं कि हमारे पास सीवी में लिखने के लिए ही कुछ नहीं है, हम क्या लिखें. तो तब आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है, लाइक ऑफ कोर्स डोंट लाई इन योर सीवी क्योंकि दैट कैन लीड मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट यू जो आपके लिए इन फ्यूचर हार्मफुल होगा. अगर आपका और फिर ये हो जाता है कि अगर आपके पास सीवी में लिखने के लिए कुछ नहीं है तो फिर आपका सीवी किस तरीके से इंटरेस्टिंग दिखेगा या आपका सीवी क्यों यूनिक दिखेगा. तो आपको अपना जो उसमें रिसर्च इंटरेस्ट आप लिख रहे हो वो इतना स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, आपको उतना स्ट्रॉन्ग नॉलेज होनी चाहिए आपके रिसर्च के सब्जेक्ट के बारे में कि सामने वाला कन्विंस हो कि अगर इसने कुछ नहीं भी पढ़ा है या इसने अगर कुछ एज सच बहुत चीजें नहीं भी की हैं तो लेकिन उसके पास रिसर्च के स्पेसिफिक इसका इंटरेस्ट इतना ट्रू है कि इसे अपने सब्जेक्ट के बारे में एटलीस्ट बहुत कुछ पता है. मेरे पास भी एज सच बहुत कॉन्फ्रेंसेस या बहुत वर्कशॉप्स अटेंडेड नहीं थी, ना ही बहुत इंटर्नशिप्स करी हुई थी मैंने, लेकिन मेरे पास एक ये था कि जो मेरा थीसिस वर्क था
उसका मेरे पास लिखने के लिए बहुत कुछ था कि मैंने अपने थीसिस में क्या क्या किया है. एंड मेरे एंड आई वॉज फॉर्चुनेट कि मेरे प्रोफेसर एक्चुअली उसी सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड थे, तो उन्होंने मुझे उसके बेसिस पर अपॉर्चुनिटी दी. अच्छा थैंक यू. और आपने जैसे बोला कि रिसर्च एक्सपीरियंस का कुछ लिखना है, तो ये कुछ अलग फाइल में, मतलब अलग पर्सपेक्टिव में लिखना होता है कि जैसे आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक होता है बाहर जाने के लिए, आपने शायद लिखी होगी, तो उसमें क्या अपने डेडिकेशन से वो दिखाना होता है कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में कि दिस इज माई रिसर्च इंटरेस्ट एंड आई कैन एक्सेल इन दिस फील्ड, तो उसमें क्या लिखना होगा अपार्ट फ्रॉम सीवी, जो सीवी में ना हो, तो वो कैसे लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस? क्योंकि जैसा आपने आपने बता रही थी कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या रिसर्च रिसर्च इंटरेस्ट जो होता है वो अच्छे से दिखाना होता है, तो उस चीज में आप क्या क्या लिखना चाहेंगे, मतलब क्या कहना चाहेंगे व्यूअर्स को, क्या लिखे उसमें? स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक दूसरे लाइक दो तरीके का होता है. एक होता है व्हेन यू आर गोइंग फॉर एन एडमिशन, एक यूनिवर्सिटी मांगती है, और यूनिवर्सिटी जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मांगती है, यूनिवर्सिटी इज लाइक वो आपसे 4 साल का आपका पूरा वर्क कंसेप्ट मांग रही है कि आप 4 साल में क्या करोगे. दैट रिसर्च प्रोजेक्ट, वो रिसर्च प्रोजेक्ट आप अकेले नहीं लिखोगे, वो ऑफ कोर्स आपके प्रोफेसर की हेल्प से आप लिखोगे कि आप 4 साल में क्या काम करना चाहते हो. तो दैट डिपेंड्स ऑन योर प्रोफेसर कि आपको क्या लिखना है क्या नहीं. और उसके पहले कोई एसओपी मुझे नहीं पता है कि एज सच कोई लिखना पड़ता है, लेकिन एक यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन के लिए लिखना पड़ता है दैट इज आप 4 साल में क्या करना चाहते हो. अच्छा, और खास करके जैसे अगर मान लो कि जैसे हम लोग यूरोपियन कंट्रीज में अगर बात करें अप्लाई करने के लिए, तो जैसे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में अगर हम लोग 10 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, तो हर एक यूनिवर्सिटीज का क्या एसओपी में लिखेंगे कि आई एम चूजिंग दिस यूनिवर्सिटी बिकॉज ऑफ समथिंग दिस रिसर्च और समथिंग दिस रिसर्च, मतलब यूनिवर्सिटीज का नाम मेंशन करना जरूरी है एसओपी में? यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये उन्हें स्पेसिफिकली दिखाएगा कि आप उस यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड हो और आप हर जगह से कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे. अच्छा, मतलब आपका कहना ये है कि हर एक इंस्टीट्यूट में आप जब अप्लाई कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट का भी थोड़ा रिसर्च वर्क देख लें हाँ, और आप प्रोफेसर का रिसर्च वर्क इंस्टीट्यूट के देख लें. बारे में, प्रोफेसर के बारे में, प्रोफेसर के पेपर्स के बारे में, उन सब्जेक्ट एरियाज के बारे में, हर चीज को ध्यान से देखें, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप किसी और ही चीज के बारे में बात कर रहे हो और यूनिवर्सिटी किसी और ही चीज पे काम कर रही हो. एग्जैक्टली, थैंक यू. और आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट अब्रॉड पीएचडी वर्सेस इंडियन पीएचडी? टाइम लिमिट फर्स्ट थिंग. यस, दैट्स एग्जैक्टली. एज पर आई नो, लाइक एज आई सेड कि मैं मास्टर्स आईआईटी जोधपुर से करी हूँ, और अगर हम लोग मोस्टली आईआईटी का सिनेरियो देखे पीएचडी के लिए, तो इट टेक्स मिनिमम ऑफ 5 इयर्स, मैक्सिमम यू डोंट नो, इट डिपेंड्स ऑन योर वर्क, योर प्रोफेसर, योर इंस्टीट्यूट, एवरीथिंग. वेदर अगर आपको यूरोपियन कंट्रीज में आते हो, तो यूरोपियन कंट्रीज का मोस्टली फॉर्मेट है 3-2-3. That is 3 year for bachelor's, 2 year for master's, and 3 year for PhD. And there are certain universities which extends their 1 year so that उनका coursework वगैरह भी हो. बहुत सारी universities में coursework नहीं भी होते हैं, उनमें आपका 3 साल में खत्म हो जाता है PhD का काम. So you have the first thing कि आप कम time में PhD complete कर लोगे अगर आप बाहर आते हो, तो the foremost benefit, क्योंकि time की कमी सबके पास है. अच्छा, तो फर्स्ट टाइम, और टाइम के अलावा और कुछ आप कुछ कहना चाहेंगे कि? आपको ज्यादा स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज का ये बेनिफिट होता है, सिंस यूरोप पूरा एक वेल कनेक्टेड कॉन्टिनेंट है, तो आप अगर किसी भी कंट्री में हो, आपके पास कॉन्फ्रेंसेस और वर्कशॉप्स, क्योंकि वर्कशॉप्स और कॉन्फ्रेंसेस आपको बहुत बड़ा एक्सपोजर देते हैं आपके पीएचडी वर्क रिलेटेड. बहुत बार आप किसी वर्कशॉप में जा रहे हो, आपको काफी चीजें सीखने मिलती है, किसी कॉन्फ्रेंस में जा रहे हो, कहीं पेपर पब्लिश हुआ है, आप उस पेपर को देख के आपको आपके पीएचडी के लिए वर्क आइडिया मिल सकता है, आपको काफी ओपन क्वेश्चन के बारे में पता चलता है. तो ये चीज यूरोपियन कंट्रीज में सबसे बड़ा बेनिफिट होती है, क्योंकि अगर आप किसी एक कंट्री में हो, तो आपके लिए ट्रैवल करना मच इजियर हो जाता है, बिकॉज यूरोप यू नो इज वेल कनेक्टेड. आपके पास ऑब्वियसली वीजा भी होता है सारी उन 25 कंट्रीज का, तो आप उन 25 कंट्रीज में अगर किसी कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप में जाना चाहते हो, तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है. इन टर्म्स ऑफ अगर आप एक इंडिया में हो
और किसी कंट्री में जाना चाहते हो तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. कि ये जो हम लोग का जो यहाँ पे इंडिया में पीएचडी होता है, जैसे हम लोग को जैसे आईटीज में है, जैसे हर सेमेस्टर फीस देना होता है और उसके ऊपर आप लोग को यूजीसी या गेट के थ्रू एमएचआईडी के थ्रू फंडिंग मिलता है एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फंडिंग. सो व्हाट यू विल कंपेयर दैट अबाउट इंडियन फंडिंग वर्सेस अब्रॉड फंडिंग एंड एक्सपेंसेस इन इंडिया वर्सेस एक्सपेंसेस इन अब्रॉड? ऑफ कोर्स इस क्वेश्चन का आंसर शायद मैंने अपने पहले आंसर में दिया था. इफ यू रिमेम्बर आई सेड कि यहां पर हम स्टूडेंट्स नहीं एम्प्लॉइज होते हैं. एग्जैक्टली यस यस यस. सो वी डोंट पे फीस क्योंकि हम एम्प्लॉय की तरह हायर हो रहे हैं. सो व्हाट मतलब ऐसा जनरली आपको कितना वो फंडिंग होती है, कितना फंडिंग मिलता है, मतलब आप उसमें सर्वाइव कर जाते हैं या फिर अब बच जाता है? जैसे एक माइंड में रहता है ना कि अब्रॉड में जा रहे हैं तो बहुत पैसा खर्च होगा, हम लोग को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, तो ऐसा कुछ? ऑफ कोर्स, लेकिन मोस्टली पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप ना मिले ऐसा कहीं भी नहीं होता. पीएचडी के लिए सब जगह स्कॉलरशिप मिलती ही है और स्कॉलरशिप डिपेंड करती है लाइक यहाँ पर मोस्टली स्कॉलरशिप डिसाइडेड होती है. आई नो अबाउट पोलैंड के हर यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि वो कितनी स्कॉलरशिप देना चाहते हैं. एक मिनिमम अमाउंट होती है वो गवर्नमेंट डिसाइड करके रखती है, उसके ऊपर कितना जाना है कितना नहीं वो उस यूनिवर्सिटी को कितना पैसा मिल रहा है और कितने स्टूडेंट्स है उस पर डिसाइड होता है. मोस्ट पर्टिकुलरली बाकी यूरोपियन कंट्रीज में, कुछ यूरोपियन कंट्रीज में गवर्नमेंट डिसाइड करके रखती है कि हर पीएचडी एम्प्लॉय को कितना पैसा मिलेगा, कितनी स्टाइपेंड मिलेगी, और वो लोग स्टाइपेंड डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ उनका डेली एक्सपेंस कितना है. हर कंट्री का डेली एक्सपेंस, एज इन मैं पोलैंड में हूँ तो पोलैंड की करेंसी यूरोज नहीं है, तो पोलैंड इतना एक्सपेंसिव नहीं जाता. पोलैंड की जो करेंसी है दैट इज लाइक 20 times इंडियन रुपीज, ऑलमोस्ट 20 times, तो वो इतना एक्सपेंसिव नहीं जाता जितना यूरोज जाता है, बिकॉज यूरोज इज 80 times ऑफ इंडियन एक्सपेंस इंडियन रुपी. तो आपको जितना फंडिंग मिलता है, जो भी आपका स्टाइपेंड है, उससे आपका मतलब एक मंथली एक्सपेंसेस हो जाता है? ये हाँ, आराम से लाइक मेरी हाफ सैलरी में मेरा मंथली एक्सपेंस हो जाता है और बाकी की हाफ सैलरी मेरी सेविंग में रह जाती है. तो व्यूअर्स आपको एक शायद मोटिवेशन मिल गया होगा कि ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा जब क्वेश्चन आ रहे थे कि मंथली अब्रॉड बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, ऐसा कुछ नहीं, आपको स्टाइपेंड मिलते जाता है जैसे सेजल ने कहा है. तो सबसे बड़ा बेनिफिट यही है, जिस तरीके से हमारे यहाँ पे भी हॉस्टल्स होते हैं वैसे यहाँ पे भी डॉर्मेटरीज होती है जिनका हाफ अमाउंट यूनिवर्सिटीज पे करती है अगर वो यूनिवर्सिटी डॉर्मेट्री है, तो आपका डॉर्मेट्री का एक्सपेंस भी बहुत ज्यादा नहीं जाता. तो आपको लाइक फैसिलिटीज के टर्म्स में डॉर्मेट्रीज में बहुत सारी फैसिलिटीज भी मिल जाती हैं आप लोगों को, इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, इन टर्म्स ऑफ वाटर, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, एवरीथिंग, आपको काफी चीजें अवेलेबल हो जाती है जिसके लिए आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता डॉर्मेट्रीज में, और एक्सपेंस भी बहुत कम होता है, तो आपको इतना कॉस्टली नहीं पड़ेगा. लाइक आप आपकी एक्चुअल सैलरी में से एक्चुअली हाफ सैलरी बचा सकते हो. तो ये मतलब यूएस का जो क्वेश्चंस आ रहे थे डायरेक्ट में आ रहे थे, तो ये शायद उसका आंसर दे दिए सेजल ने. तो लास्ट क्वेश्चन हम लोग ये जा रहे हैं कि आप कुछ व्यूअर्स को कहना चाहेंगे, कि कुछ मोटिवेटिंग कुछ कहना चाहेंगे कि जैसे कि आपने अब्रॉड गया, आपका बहुत सारा ग्रोथ हुआ, आपने बहुत सारे आपका आपने देखेंगे कि आपने बता रहे थे कि आपका बहुत ग्रोथ हुआ है रिसेंटली, तो ये चीज आप थोड़ा कुछ मोटिवेटिंग अगर व्यूअर्स को कहेंगे तो बहुत बढ़िया लगेगा. ऑफ कोर्स, सबसे पहले तो बिकॉज़ जो व्यूअर्स हैं इंडिया नेटिव इंग्लिश स्पीकर नहीं है, तो काफी व्यूअर्स को ये भी दिक्कत होगी इंग्लिश के बारे में. तो अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री में आते हैं और आपकी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं है, आपको ये डर है, तो उस चीज का डर लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इनकी भी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, यूरोपियन और मोस्टली बहुत व्यूअर्स को जिनको इंग्लिश आती है उनको ये दिक्कत होती है कि यूरोप की अपनी लैंग्वेज है तो हम इंग्लिश में कैसे सर्वाइव करेंगे. वो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ के लोग भी बहुत हेल्पफुल हैं, दे ट्राई टू हेल्प यू. अगर उन्हें इंग्लिश नहीं आ रही है तो वो आपको जरूर हेल्प करेंगे बाई साइन लैंग्वेज, बाई सम राइटिंग ऑन सम पेपर, या कुछ तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर देंगे. तो अगर आपको इंग्लिश आती है और आपको ये लगता है कि यहाँ के नेटिव स्पीकर को प्रॉब्लम होगी तो भी दिक्कत नहीं, आपको इंग्लिश नहीं आती है और आपको लगता है कि आप यहाँ पे इंग्लिश के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते तो वो भी दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं होता.
अनटिल एंड अनलेस आपके सब्जेक्ट में आप स्ट्रांग इनफ हो और आप एक्चुअली सब्जेक्ट के बारे में चीजें जानते हो और रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हो, तब तक आपको ये सब चीजें हर्डल नहीं करेंगी। और मोटिवेशन, एज अ मोटिवेशन मैं यही कहूंगी, आपको बहुत बड़ा एक्सपोजर मिलेगा, बहुत बड़ा ग्रोथ मिलेगा, काफी चीजें जानने मिलेगी और आप आपके सिर्फ रिसर्च से उठ के अपने सेल्फ डेवलपमेंट में और सेल्फ ग्रोथ में काफी काम कर लोगे, क्योंकि आप एक फॉरेन कंट्री में हो, एक फॉरेन माहौल में हो, आप इतनी चीजें सीखोगे और 4-5 साल के लिए आप वहां पर सेटल्ड हो। अगर आपको फ्यूचर में यहाँ सेटल होना है तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप 4 या 5 साल तक टैक्स पे करोगे तो उसके बाद परमानेंट लेना बहुत आसान हो जाता है। बट उसके ऊपर तो काफी वीडियोस आपको मिल जाएंगे ऑलरेडी कि परमानेंट कैसे हुआ जाता है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा आपको रिसर्च किस पे करनी है और किस तरीके से करनी है वो आपका मोटिवेशन होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए गाइस, सब्सक्राइब टू कंपटीशन वेल। तो एक बार आप बोल देंगे कि लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू कंपटीशन वेल। ऑफ कोर्स गाइस, अगर आप लोग इस तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोस देखना चाहते हो और समझना चाहते हो कि और क्या क्या कर सकते हो आप लोग बाहर जाने के लिए, PhD में एडमिशन लेने के लिए, तो प्लीज स्टे कनेक्टेड टू कंपटीशन वेल, ही इज रियली गुड फ्रेंड ऑफ मी, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।